पन है ये उलझन, कैसे जी लूं बिना ते। तू भाई को हाथ लगाएगी, ये मुझसे ज्यादा बोलेंगे। मेरे जीते जी तू हाथ लगाएगी ना। इन्होंने मेरे से ज्यादा हाथ क्यों लगाई है? तभी से भाई है मेरे, तो भाई है, तो हम दोनों के बीच में कुछ भी है तीसरा नहीं आ सकता है। तो आवाज कम कर अपनी, भाई है मेरे। जय बाबा की दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा था, लॉयल्टी टेस्ट लिया था विकास भैया ने सुजीत का, मेरे हाथ पे पट्टी बांध के, ठीक है। देखना चाहते थे कि आज भी मतलब कितनी हमदर्दी है सुजीत मेरे लिए, कितनी हमदर्दी रखता है। तो आज मैं भैया को दिखाना चाहती हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ या भैया इंपॉर्टेंट है। मैं भैया को बुलाऊँगी और जैसा भैया ने मेरे से बोला था, मैंने भैया की बात मानी थी, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। आज मैं भैया से कुछ कहूँगी और भैया से बोलूँगी कि भैया जैसा आज मैं आपसे कहती हूँ आप वैसा कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा क्या होता है। विकास भैया को फोन करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। नमस्ते भैया। नमस्ते, कहाँ पे हैं भैया? रूम पे हैं भैया। जरा मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, जरा कुछ बात करनी, आ जाएंगे आप? अभी तो बिजी हैं हम। भैया आ जाइए ना प्लीज, दो मिनट आपसे बात करनी है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम एक घंटा लगेंगे। एक घंटा भैया, आधा घंटे में आ जाइए भैया, तो कुछ इम्पोर्टेंट है। चलो ओके करते हैं। ठीक है, लोकेशन भेज रहा हूँ मैं, आइए आप। ठीक है ठीक है। तो गाइस मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि उस इंसान के मन में क्या है। अभी भी वो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता जितनी वो अपने भैया को देता है, लेकिन भैया को और सभी को ऐसा लग रहा है कि मेरे आने से सबको प्रॉब्लम हो रही है। सुजीत ने सबको इंटेंशन देना छोड़ दिया है, सबकी इंटेंशन ख़त्म हो गई है सुजीत की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप खुद देखना कि सुजीत अपने भैया को कितनी इंटेंशन देता है, या मुझे, आज मैं जीतूंगी या भैया जीतेंगे, आज ये देखेंगे। और उस इंसान की असलियत पता चल जाएगी कि अभी भी मैं हूँ या भैया हैं, देखना। A few moments later. नमस्ते भैया, कैसे हो? ठीक हूँ, बताओ। मैं भी ठीक। क्या बात? कुछ बात करनी थी भैया। बताओ क्या बात है। जैसे मैंने आपकी उस दिन इस लॉयलिटी टेस्ट में साथ दिया था, आज आपको मेरा साथ देना है। क्या? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप जो सब लोग सोचते हो ना कि सबकी इंटेंशन ख़त्म हो गई है सुजीत को लेके, मुझ पे ही ध्यान दे रहा है, ठीक है। मैं आज आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ कि सुजीत मेरे को इम्पोर्टेंस देगा या आपको। आप भी देखिए, और देखो मैंने वहाँ कैमरा लगाया हुआ है, हमारी पूरी पब्लिक भी देखेगी, ठीक है। आप सुजीत को फ़ोन कीजिए और जैसा जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा वैसा करना, ठीक है। अगर वो ज़्यादा गुस्से में आ जाए तो आप संभाल लेना, ठीक है। जैसा मैं कहूँगी वो मुझे पता है, जैसा भी होगा वो देख लेंगे, वो मुझ पे ज़्यादा इंटेंशन देंगे आप पे। आप फ़ोन करो और बोलो कि अंकिता ने मुझे बीच रोड पे चांटा लगाया और मेरे से बहुत बदतमीजी करी है, इतना बोल के उनको बुलाओ, फ़ोन करो, देखते हैं कितनी देर में आते हैं और क्या उनका रिएक्ट होता है। कीजिए आप एक बार फ़ोन, कॉल करो उसे, कॉल कीजिए। बस आज आपको मेरा साथ देना है, मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ और अपनी पब्लिक को भी। वो हमें प्यार करता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें आने से थोड़ा कम हो गया है, बस यही मैं दिखाना चाहती हूँ बस। जैसे आपका, आप सोच रहे हो ना कि पहले जैसा था अब वैसा नहीं है, आज भी अगर आपको तो मैं कुछ बोल जाती हूँ या आप पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं देखना चाहती हूँ उसका एक्शन क्या होगा, वो छोड़ देगा, टाल देगा, या वो वैसे ही रहेंगे। उससे झूठ बोले? झूठ नहीं है ये, सिर्फ एक मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए, एक छोटी बहन हूँ मैं आपकी, इतनी सी तो बात मान ही सकते हैं भैया। आप फ़ोन कीजिए बस, आप मुझे आज आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। उनको बोलो कि अंकिता मुझे चांटा लगाया, हाँ मुझे चांटा लगाया और बहुत बदतमीजी करी अंकिता ने मेरे साथ, या तो मैं या तो अंकिता आज। चलो देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दूंगा ना मैं अंकिता के पीछे, कोई भी अगर कुछ बोला तो, आज देखते हैं आज मैं या आप भैया, बस इतना आपको साथ देना है मेरा। हेलो, हाँ भैया भाई, मना किया था ना तुझे उस लड़की को नहीं रखने के लिए? क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो आज हाथ उठा रही है मुझ पे। किस पे? आप पे? हाँ हम पे हाथ उठाई है, इसलिए ना मना कर रहे थे तुझे। कहाँ है? कहाँ हो? मेरे पास है। कहाँ है? आप लोकेशन भेजिए अभी आ रहे हैं। हाँ देखते हैं तू क्या करता है।
भेजो लोकेशन, ठीक है? बस आपको गुस्से में रहना है, और मतलब बिल्कुल ऐसे रहना है कि मैंने सच में हाथ उठाया, बस ऐसे करना है आपको। आने दीजिए उनको, हमारी पब्लिक भी देखेगी और आप भी आज देखेंगे कि जो था कि थोड़ा बहुत कम हो गया है। हम जानते हैं प्यार करता है, लेकिन हमें लगता है कम हो गया है। कम हो गया, हाँ वही दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। बस आते हैं, वो देखते हैं। A few moments later. क्या हुआ? इसीलिए ना मना किए थे? क्यों बात लगाई है? क्यों बदतमीजी कर रहे थे मुझसे, मुझ पे चिल्ला रहे? कब तक झेलूं? भैया है भैया बन के रहे, भैया है भैया बन के रहे, ठीक है? आवाज कम कर अपनी। भैया भाई है मेरे, हम तुझे झेल रहे हैं। भाई है मेरे, बदतमीजी से बात कर रहे हैं ना? भाई है मेरे, इज्जत से, मैं प्यार से बात करती हूं, इज्जत से, इज्जत से ही बात कर रही थी। हाथ उठाने की नौबत इन्होंने करी है, उठा दिया मैंने। हाथ उठा देगी? हां उठाऊंगी मैं। क्यों हाथ लगाई तू? मैं नहीं चाहती कि मेरे से कोई बदतमीजी करे, ठीक है? क्या बदतमीजी? तुम्हारे मेरे बारे में बोल रहे थे, तेरे सर, तू सर चढ़ा रही है, सर चढ़ा रही है। हां बदतमीजी। क्या क्या निकल अब भी? क्या भी निकल, कहां निकल? इसीलिए मना कर रहा था, बदतमीजी करी थी इसलिए बोला है। हाथ क्यों लगाई है तूने? हाथ क्यों लगाई है? बदतमीजी से भाई है मेरे, तो भाई हम दोनों के बीच में कुछ भी है, तीसरा नहीं आ सकता है। तो मेरे और तुम्हारे बीच में तीसरा नहीं आ सकता। भाई है मेरे, बोले ना, ज्यादा नहीं बोल सकते, ज्यादा नहीं बोल सकते। वो फाड़ के रख देंगे, समझे? ज्यादा नहीं बोल सकते तुम्हारे मेरे बीच में, हमारा मैटर है अलग, ठीक है? नहीं बोल सकते। कौन है? कौन है? मैं टीम मेंबर हूँ और तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? ठीक है, निकल, नहीं रहना तुझे साथ में। क्यों नहीं रहना? तुम्हारी मर्जी से रहूं। हाथ मत उठाओ तुम मेरे ऊपर, आई समझ में? सुजीत हाथ मत उठाओ। ए है कौन तू? है कौन तू? हाथ कर। मैं नहीं चाहती कि ये तुम्हारे मेरे बीच में कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले। ऐसी लगाऊंगी, होंगी ऐसी ही लगाऊंगी। हाँ निकल यहां से। हैं? ऐसी लगाऊंगी, इसीलिए हाथ लगाएगी? हाथ लगाऊंगी ऐसे ही। बता मतलब तू सबको सही कर देना आज। हम तुम पर ट्रस्ट किए थे इसी दिन के लिए। हाँ तो तू भाई को हाथ लगाएगी? ये मुझसे ज्यादा बोलेंगे? मेरे जीते जी तू हाथ लगाएगी? हाँ। इन्होंने मेरे से ज्यादा बदतमीजी बोली तुम्हारे मेरे बारे में। मैं नहीं सुन सकती तुम्हारे मेरे बारे में किसी से। कौन है तुम्हारे? क्यों कौन है? भाई है मेरा, मुझे कुछ भी करे मारे पीटे, तू कौन होती है बोलने? तुम्हारे बारे में कैसे बोल रहे? तू बोलेगी मेरे बारे में कैसे बोल रही है? बोलेंगे, पूरा अधिकार है। अधिकार है तो अपने अपने तक रख के अपना अधिकार, मेरे से ज्यादा ना बोले फालतू, ठीक है ना? तू मत बात कर। क्यों बात करती है? किससे? बहुत बड़ी गलती कर दी है तुझे टीम में रखे। अच्छा, बहुत मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, इसीलिए सबसे बड़ी गलती है तू। अच्छा, सबको इग्नोर करके, सबके बात करके तुझे हम रख लिए टीम में, ये बहुत बड़ा गलती किया हमने। अगर मेरे से ऐसे ही बोलेंगे ना तो मैं ऐसे ही करूंगी और हाथ उठाऊंगी। और हाथ उठाऊंगी, ठीक है? आज के तू जाएगी जेल। अच्छा, जेल में सड़ा नहीं दिया ना तुझे, तब तू बोलेगी हाँ सुजीत पांडे मेरा नाम नहीं। तुम भेजोगे? सड़ा देंगे तुझे। तुम भेजोगे? आप चलिए, तुम भेजोगे? हम भेजेंगे। अच्छा, सड़ जाएगी, जहाँ से आई ना वहीं जाएगी। कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारी ये भैया भी कुछ नहीं कर सकते, आई बात समझ में? भैया भी कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इज्जत कर रहे हैं। अच्छा, हम लिए हैं तुम्हें टीम में, इसलिए तुम्हारे बारे में कैसे बोल रहे थे ये तुम्हारे बारे में? अपने तक रखे ना, मेरे वजह से कोई तुम्हें कुछ बोलता नहीं है, ठीक है? हाँ, नहीं तू यहाँ होती नहीं यार। तो अपने तक रखे ना तुम, अपने तक क्या रखे? तुम्हारे ऊपर क्यों बोल रहे? क्यों बोल रहे पीछे से? अभी क्या, अभी तू जाएगी, ठीक है? कहाँ जाऊंगी? चलिए इसको हम इधर आ जाओ, ठीक है ना? इधर आ जाओ, जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। पहले इनसे बोलो सॉरी बोलेंगे। सॉरी बोल, सॉरी बोले क्या? सॉरी बोलेगी, सॉरी बोलेगी, सॉरी बोलेगी, सॉरी बोल। अभी क्या, अभी बदतमीजी करिए, बदतमीजी से बोले मेरे से। तू करके बोले ना मेरे से, तू करके, तू करके बोले। कौन है तू? तू है कौन? कौन बोला सॉरी बोलेंगे? उंगली नीचे अपनी, सॉरी बोले, नीचे करो, बोले ना, उंगली नीचे करो, सॉरी बोलवाओ इनसे, नीचे करो सॉरी। क्या सॉरी? क्यों क्या है? क्या सॉरी मतलब? तमीज नहीं लड़की से बात करने की? नहीं है, निकलो, निकलो, नहीं है तमीज। मैं सिखाऊंगी अब तमीज, नहीं है तमीज, मैं सिखाऊंगी, मैं सिखाऊंगी अब तमीज, निकलो। कल से सॉरी बोलेंगे मुझसे, ठीक है? हाँ, मुझसे तो तू करके बात करी है। फोन दो इधर, फोन, फोन दो इधर, फोन। तू दिखेगी नहीं इनसे, बोलो सॉरी बोलेंगे। तू रूम पे आ, बता रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। अच्छा, लगा तू, हाँ 10 मिनट रुक, इतना जो अभी सुनना, सॉरी बुलवा के जाओ इनसे, बुलवा के बोलो सॉरी, बोले सॉरी सबको बोल के। सुनो ना, आज के आग निकाल कर तुम्हें फेंकेंगे ना, इधर आ जाओ, सुनो ना, आज के आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मत लगाओ दांत, मत फाड़, ठीक है ना? आज के आज तुम्हें बता जाओ। अरे रुको तो, रुको रुको रुको, अरे रुको तो सही, रुको सुजीत, रुको तो सही, अरे रुको बाबा, रुको 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 रुको, बात तो सुनो। अच्छा, बात तो, दांत क्यों फाड़ रही हो? शर्म नहीं आ रहा है? रुको तो सही,
तुम्हें लगता है तुमने मेरे पे हाथ उठा दिया? तुमने एक बार पूछा उनसे? क्या पूछा उनसे? तुमने मेरे पे हाथ उठा दिया? क्यों ना उठाए? क्यों ना उठाए? तुमने एकदम भाई है मेरे। तुमने पूछ लिया हमारे बीच में कुछ भी हो तीसरा कोई आना नहीं चाहिए। तुमने एक बार आ गया ना कि अंकिता तुमने ऐसे कैसे कर दिया? हमारे बीच में चाहे कुछ भी हो जाए। एक मिनट, तुम्हें लगता है कि मैं इन पे हाथ उठा सकती हूँ? सोचियो मत। तुमने सोचा? सुजीत मेरी बात सुनो, तुमने सोचा? तुमने क्या बोला कि ये लड़की जितना मैं चाहता हूँ ये तुम्हें भी उतना ही चाहती है? मैं इन पे हाथ उठा जाऊंगी, बोलो भैया बताओ, मैं इन पे हाथ उठा जाऊंगी। इसी का सब है, देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, देखो कैमरा ही, मतलब हर जगह कैमरा। हाँ। क्या क्या हो रहा है? सब मेरे साथ ही हो रहे हैं, सब तुम्हारे मतलब साथ ही गलत है ना? कोई गलत? सारे दुनिया सब तो यही बोल रहे हैं ना कि हम गलत हैं, सबके नजर में गिर रहे हैं ना। मैं क्या कर रही हूँ? चेक कर रही थी भैया को, दिखा रही थी सिर्फ भैया को, दिखा रही थी कि भैया आज भी इतनी ही इंपॉर्टेंस है आपके लिए। मुझे पता थी भैया, एक भाई, एक छोटे भाई की तरह आप उनको रख रखा है, ठीक है, मतलब कहीं भी मुझे पता तो कैसे रहेंगे हम लोग, वो बात ठीक है, लेकिन आज आपने देख लिया ना, आपके पीछे मेरे पे हाथ उठा दिया, देख लिया ना आपने, तो बस मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी। और तुमने एक बार मेरे से पूछा भी कि अंकिता तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने मेरे पे हाथ उठा दिया, मतलब तुम्हें इतना ट्रस्ट नहीं था मेरे ऊपर कि अंकिता ऐसा नहीं कर सकती? मैं भी उनको बड़ा भाई मानती हूँ जैसे तुम मानते हो। हाँ, तुमने एक बार भी पूछा मेरे से? लड़ो मत, ठीक है, चलो। तुमने मेरे पे हाथ उठा दिया अंकिता, यार मेरे भाई को कुछ कोई कुछ करे मैं बर्दाश्त नहीं। लगता है कि मैं उन पे हाथ उठा जाऊंगी? छोड़ दो, सुनो अंकिता, अंकिता वो भाई है मेरे। सुजीत तुम भाई है तो बर्दाश्त नहीं कर सकते? एक बार मेरे पे पूछ, मेरे से पूछ लेना चाहिए था, तुमने मेरे पे हाथ उठा दिया। अंकिता, अंकिता सॉरी, सुजीत तुमने हाथ उठाया मेरे पे, मुझे लगा सिर्फ तुम गुस्सा हो गए। सॉरी यार, एक बार पूछना तो चाहिए था ना। हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, देखो तुम्हें इतना सा तो ट्रस्ट होना चाहिए था। ट्रस्ट है तुम पे अंकिता, पर तुम बोल रही हो कि हम मारे हैं, हमसे लड़ाई कर रही हो। तुमने एक बार पूछा, हम ऐसे ही लॉयल हैं यार, लड़ाई क्यों कर रही हो हमसे? मैं कोई लड़ाई नहीं कर रही सुजीत, प्यार से अगर तुम जान भी मांगोगे ना वो भी दे दो। नहीं चाहिए तुम्हारी जान, नहीं चाहिए सुजीत। लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम किसी के लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, हम करके दिखाने वाले में से हैं, ठीक है। लेकिन मुझे खुशी हुई, ठीक है, मुझे खुशी हुई तुमने भाई के पीछे हाथ उठाया। तुम्हें भी कोई हाथ उठाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अंकिता, हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब हमारे अपने हैं। मुझे बुरा, और हम पे सब पे हक है, जितना आपका है उतना विकास भाई का भी है, ठीक है। बुरा मत, बुरा भी लगा सुजीत, बट मुझे खुशी भी हुई। सॉरी, चुप हो जाओ अंकिता, चलो कुछ नहीं।